एक ट्रेसर रीन खान का कहना है कि एक फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें किस सीन की रिहर्सल करने की अनुचित सलाह दी थी। वे एक अंग्रेजी एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बात कर रही थीं। उनके मुताबिक यह घटना तब हुई जब उनका फिल्मी करियर शुरू ही हुआ था। बकौल जरीन, उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी झिझक को छोड़ना चाहिए, अपने अवरोधों को मिटाना चाहिए। उस वक्त मैं इंडस्ट्री में नई थी, जरीन ने दिया था करारा जवाब। जरीन ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने डायरेक्टर की मांग को सिरे से ठुकरा दिया था। वे कहती हैं, मैंने उससे कहा कि मैं रिहर्सल के लिए कोई भी किसिंग सीन नहीं करने वाली। जरीन ने यह भी बताया कि उनके फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने के बाद भी एक आदमी ने उनसे कहा कि अगर वे दोस्ती से आगे जाने के लिए सहमत होती हैं तो वे उनके अगले प्रोजेक्ट में मदद कर सकता है। एक प्रेस के मुताबिक उनके लिए अपना आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है और इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई आदमी उसकी शर्तों पर सहमत होने के बाद भी आपकी मदद करेगा। कटरीना कैफ से तुलना पर भी बोली जरीन ने इस इंटरव्यू में। बॉलीवुड डेब्यू के बाद कटरीना कैफ से तुलना को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा लगातार तुलना किए जाने की वजह से दोनों एक्ट्रेसेस के बीच अजीब सी स्थिति बन गई थी। गौरतलब है कि जरीन ने 2010 में रिलीज हुई फिल्म वीर से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान खान लीड एक्टर थे। आखिरी बार हॉरर फिल्म 1921 में दिखी जरीन 1 नवंबर 2019 को रिलीज होने जा रही पंजाबी फिल्म डाका में नजर आएंगी।